Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल Biz Analyst के साथ। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को लेकर। लगातार इस देश में चर्चा खूब हो रही है और सरकार भी लगातार जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को मार्केट में पुश करना चाह रही है, लोगों को प्रेरित करना चाह रही है। नितिन गडकरी आए दिन जो है वो लगातार इस मामले पर बयान देते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि इससे आगे आने वाले दिनों में जो है वो पेट्रोल डीजल की अकड़ को कम किया जा सकता है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी से जुड़ी एक घटना होती है। दरअसल एक तस्वीर सामने आती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ओला की जो है उसमें आग लग जाती है। वो गाड़ी खड़ी रहती है और उसमें आग पकड़ लेता है। काफी चिंता का विषय था ये। लोगों ने वैसे तो सोशल मीडिया पे इसे खूब वायरल किया, लेकिन इसके बाद का जो एक्शन होना था वो अब हो रहा है। और वो एक्शन क्या हो रहा है ये इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मामले में जो जांच की कार्रवाई है इसको बेहद बेहद ज्यादा गंभीरता से लेते हुए DRDO को सौंपा गया है जांच। जी हां, और ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है ताकि कोई भी लापरवाही इसके में ना हो, कोई मैसेज जनता के बीच गलत ना जा सके। क्या है डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। ओला स्कूटर और ओक्सीनावा स्कूटर में आग लगने की जो घटनाएं सामने आई उसको लेकर सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिशों को एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए DRDO से इन घटनाओं की जांच करने को कह दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मंत्रालय से एक अधिसूचना जारी हुआ है। कहा गया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO की सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी इकाई पुणे में ओला स्कूटर और वेल्लोर में ओकिनावा स्कूटर में आग लगने की घटना की जांच करेगी। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने CFEES को इस घटना के कारण के साथ साथ इस तरह की घटनाओं को रोकने के बेहतर उपाय सुझाने के लिए भी कह दिया है। इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने जो है वो बिजनेस टुडे से बातचीत करते हुए कहा था कि सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी आग की जांच के आदेश दिए हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ इस घटना की जांच करके अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में धनोरी एरिया में एक ओला स्कूटर में अचानक आग लगने की घटना सामने आई थी। इससे कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई। सूत्र कहते हैं कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा संजीदगी से इस पूरे मामले को टैकल कर रही है। इस घटना के कारण को जानने के लिए गहरी जांच पड़ताल करने को कहा गया है। और इन सब को लेकर जो है वो बेंगलुरु की ओला इलेक्ट्रिक ने इस मामले पर आधिकारिक बयान दिया है और कहा है कि इस मामले में जांच शुरू की जा चुकी है। कंपनी इस जांच से जुड़े अपडेट एक दो दिन में शेयर करेगी। कंपनी इस स्कूटर के ग्राहक के साथ भी संपर्क में है। तो कुल मिलाकर ये एक अपने आप में बड़ा मामला है कि भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, तेल डीजल के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को मोटिवेट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, अब इसमें जो झटका लगा है उसको बेहद संजीदगी से, बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। और यही कारण है कि DRDO की इस इकाई को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह अपने आप में एक अप्रत्याशित मामले की तरह है जिसमें DRDO की यह टीम जो है वो जांच करेगी और देखेगी कि कैसे इससे बेहतर बनाया जा सकता है और यह आग क्यों लग गई थी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे भारत तक सबसे पहले आपको बताएगा। देखते रहिए भारत तक।